एक रात का आप कितना रुपया लेती है? एक रात का मेरा 3,000 है। 3,000 जी, 30-40 हज़ार हो जाता है महीने का। और उसका भी एक ये है, जैसे 30,000 जैसे मेरा होता है ना, तो मुझे हर मंथली 15,000 देना होता है हॉस्टल में। अच्छा। लाइब्रेरी चार्जेस एंड फूडिंग चार्जेस, बेड चार्जेस। ट्रांसजेंडर होता क्या है, वो लड़का होता है कि लड़की होता है, थोड़ा सा आप दर्शक को बताइए। जितने भी लड़कियां हैं जिस हॉस्टल में आप पढ़ती हैं, सभी लड़कियां आपको मानती हैं या बहुत प्यार करती हैं? जो भी मेरे विरोध थी, जो मेरा विरोध करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। कभी हमारे बूफ्स पे डालते हैं, कभी मुंह में डालते हैं, कभी अपने थाई में बैठाते हैं। अगर नहीं जाने पे वो बोलते हैं कि गालियाँ देते हैं, ना मदर फक ये सब कुछ बोलते हैं। कभी कभी तकलीफें होती हैं, और कभी कभी मैं भी ये भी रो देती हूँ स्टेज पे, मंच पे भी मैं रो देती हूँ कि आज मेरे माता पिता होते तो शायद एलिना ये और ये दिखा के डांस नहीं कर पाती। लोग किन्नर को इतना गंदे गंदे तरीके से लोग नाम पुकारते हैं कि बहुत सारे किन्नर के आंखों में आंसू आता है, और बहुत सारे किन्नर ऐसे भी होते हैं कि लोग जो आम आदमी होता है उनको परेशान करना, टॉर्चर करना, और बीच रास्ते पे किसी तरह का वो व्यक्ति को रुका देना, उससे पैसा मांगना। लेकिन वैसे ही एक ट्रांसजेंडर है जिनका नाम हम इनसे पूछेंगे, और यह झारखंड के रहने वाले हैं, और यह अभी बिहार के छपरा जिला में हैं, और यह डांस करते हैं। इनका क्या नाम है, और साथ ही साथ यह मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एलिना जोई, मैं क्रिश्चियन। अच्छा। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ जी, और मैं प्रॉपरली मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, रांची की जी। अच्छा, बिहार में आप कब आए, और बिहार में कब आकर आपने डांस करना स्टार्ट किया? 2021 में मैं आई थी, 29 नवंबर को आई थी मैं, और उस टाइम मुझे भी थोड़ा सा कुछ ऐसी कारण से मैं यहाँ पे आकर के अपना शो कर रही हूँ, अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही हूँ जी। अच्छा, किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं मेडिकल में बीएससी पोस्ट कर रही हूँ, नर्सिंग ट्यूटर का मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जब मेरे माता पिता जब जिंदा थे तो उस टाइम मैं ये सब लाइन में आना नहीं चाहती, मैं देखी नहीं थी इस लाइन को। ऑर्केस्ट्रा होता है क्या है, और किन्नरों का डांस होता क्या है, और ऑर्केस्ट्रा वाली होती कैसी हैं, ये सब चीज़ों कभी मैंने देखा ही नहीं था। जब मेरे माता पिता का मृत्यु हो जाने के बाद 2021 में मेरे मम्मी पापा का डेथ हो गया, तब से मैं यहाँ पर आई और बस अपना पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और डांस भी कर रही हूँ। अच्छा, जब मम्मी पापा आपके थे तब क्या कभी आपने सोचा था कि हम डांस करने जाएंगे या अच्छा क्वालिफिकेशन हम पढ़ाई करेंगे? जब मेरी मम्मी पापा थे तो नहीं, उस टाइम तो मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मैं डांसर बनूंगी या कुछ ऐसी चीज़ बनूंगी। बस मेरा बचपन से एम था कि मैं एक मेडिकल लाइन में आऊँ, क्योंकि मेरे घर में जितने चाचा चाची सब मेडिकल से रिलेटिव है। अच्छा अच्छा। तो मेरे पिताजी रेलवे में ड्राइवर थे जी, और मेरी मम्मी लेडीज हेल्थ विजिटर थी। अच्छा। तो उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मेरी मम्मा का यही ख्वाहिश था कि चलो एलिना कोई पढ़ा नहीं तो तुम ही पढ़ के आगे बढ़ो। हाँ। और बस मैं जब मेडिकल कर रही थी तो मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा संयोग था, मुझे पढ़ा रहे थे वो। और जब लास्ट ईयर हुआ तो मेरी मम्मी पापा का डेथ हुआ। डेथ हो जाने के बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी कि आगे चल के मैं अब कैसे क्या करूँगी। जहाँ 7 लाख का जो खर्चा होता है मैं इंस्टॉलमेंट के द्वारा मैं देती हूँ, जैसे मम्मी पापा मेरे देते थे जी, तो सारा वार्डिंग मेरे ऊपर आ गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। अच्छा, जब आपके मम्मी पापा का डेथ होता है तब काफ़ी आपके मन में सवाल होगा कि हम पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मेरे जो सपना था सपना पूरा होगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चाचा चाची हैं आपको सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आखिर आपने जब डांस करना स्टार्ट किया तो मन में फिर आया होगा कि नहीं, अब मेरा सपना जो था शायद अब पूरा हो जाएगा। उस टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा था, जब मेरी मम्मा का डेथ हुआ ना तो मेरी मम्मा को मैं बहुत प्यारी थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। हाँ। तो मेरी मम्मा हमेशा बोला करती थी कि जब एलिना जब मैं मर जाऊँ ना तो तुमको कौन देखेगा। हाँ। तो बहुत रोती भी थी। हाँ। और ऐसा अभी भी ऐसा कौन सा दिन नहीं है जो मैं रोती नहीं हूँ अपनी मम्मी पापा के लिए। तो उस टाइम मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, ऐसा लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। मैंने कितनी बार सुसाइड करने की भी मैं कोशिश की थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे काफ़ी मैं डिप्रेशन में भी आ चुकी थी, मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। और जो मेरी एक मैम थी, नर्सिस सुपरिटेंडेंट थी, एनएस थी वो, नीता कश्यप जी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि देखो एलिना ऐसा कुछ नहीं है और तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। हाँ। और पूरे मैं हैदराबाद से मैं मेडिकल कर रही हूँ, फ्लोरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। अच्छा। तो पूरे 1300 लड़कियाँ में से एक मैं ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा। और मेरे भी ऊपर बहुत ज़्यादा रैंकिंग होते थे। हाँ। तो मैं ये सोची कि अब मेरी पढ़ाई यहाँ तक अब स्टॉप हो गई, अब मुझे देखेगा कौन, अब मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नाचूंगी या कभी मैं तालियां मारूंगी या कभी मैं
ट्रेन में किसी से पैसे लूँगी, ऐसा मेरे अंदर ऐसा कुछ थॉट नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे एक मेरी फ्रेंड का, मतलब फेसबुक पे एक मेरी फ्रेंड है, तो उनका मैसेज आया, तो मैसेज के द्वारा मैंने अपने सारी दिल की बात बताई कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तब उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और अभी मैं शुरू कर रही हूँ। और अच्छा अति एलिना जी, डांस करके को कितना मज़ा आता है? सॉरी, मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि कहीं कहीं जब मैं बात करती हूँ ना, तो मेरे लैंग्वेज से लोग समझ जाते हैं कि मतलब ये एजुकेटेड पर्सन है। तो कितने लोग वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन करते हैं, मतलब व्हाट आर यू डूइंग मैन, मतलब क्या रीज़न है, आप क्या कर रही हो, आर यू एजुकेटेड पर्सन। तो मतलब एक चीज़ है ना कि मैं ना दिल की बहुत फ्रेंडली हूँ, मैं तुरंत किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, तो मैंने सब चीज़ बता देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने बोली, तुम गधी हो, बताया मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा स्टेज नहीं है, वो तुम कमाने जा रही हो ना। तो कहीं कहीं मुझे मतलब कभी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है, कितने लोग बहुत गलत कॉमेंट भी पास कर देते हैं, बिकॉज मैं उसको इग्नोर करके चलती हूँ। एलिना जी, अभी महीने का कितना रुपये कमा लेती है? सॉरी सर, महीने का तो मैंने कभी गिना नहीं है, और मतलब भाई 30-40 हज़ार हो जाता है महीने का। और उसका भी एक ये है, जैसे 30 हज़ार जैसे मेरा होता है ना, तो मुझे हर मंथली 15 हज़ार देना होता है हॉस्टल में। अच्छा। लाइब्रेरी चार्जेस, फूडिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, ये सब मुझे देना होता है। तो आप तो रह रहे हैं बिहार में और हैदराबाद का बिल पे कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्योंकि मैं अभी वहाँ क्लास कर रही हूँ, अभी मेरे नाम से वहाँ सीट बुक है, लाइब्रेरी में मेरा नाम चलता है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ। पहले जब मैं हमारी इंटरव्यू एक बार और हुई थी, तो उसमें मैंने बताया था ऑनलाइन क्लासेस होती है मेरी, तो मुझे उसको देना होता है, प्लस अभी मैं यहाँ हूँ तो इसका भी रूम रेंट, मतलब सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ। तो एक रात का आप कितना रुपया लेती है? एक रात का मेरा 3,000 है। 3,000 जी। अच्छा, आप लोग जाते हैं स्टेज पे, काफ़ी लोग गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं, उस चीज़ को आप लोग झेलते भी हैं, लेकिन कभी मन में ये सवाल नहीं आया कि आज मेरे माता पिता होते और शायद आज मैं अगर किन्नर नहीं होता तो इतना जो कमेंट मुझे करते हैं शायद यह सुनना नहीं पड़ता? जी सर, आपने सही बोला है, क्योंकि जब भी मैं शो पे जाती हूँ, कहीं कहीं लोग गलत कमेंट करते हैं कि कितने लोग तो शर्त भी लगा देते हैं कि ये लड़की है, कितने लोग होते हैं कि नहीं ये लड़की नहीं है, इसको देखो, आई नो इसका ऊपर वाला देखो क्या है, ओरिजिनल है या ऐसे, मतलब ऐसे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। और कभी कभी मैं भी ये भी रो देती हूँ स्टेज पे, मंच पे भी मैं रो देती हूँ कि आज मेरे माता पिता होते तो शायद एलिना ये और ये दिखा के डांस नहीं कर पाती। सही बात है। मैं भी एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, एक अच्छी लाइफ से मैं गुजरना चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसे ऐसे मैं क्रिटिकल प्लेटफॉर्म से मैं गुजरी हूँ, कभी कभी वो दिन याद करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं हूँ क्यों, भगवान ने मुझे ट्रांसजेंडर क्यों जन्म दिया, कितना अच्छा लड़की होती, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की पत्नी होती, मैं भी किसी की बहन भी होती मैं, तो तरसती हूँ मैं भी प्यार के लिए, मैं भी बहुत तड़पी हूँ, अपने मम्मी पापा का मुझे प्यार नहीं मिला, रोती हूँ। ऐसा कोई सा भी ऐसा फेस्टिवल सा था, अभी मेरा 4 तारीख को बर्थडे था, और सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि अलीना तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन यार वो पार्टी नहीं दी, तो मन छोटा है। जब मेरी मम्मा थी उस टाइम मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, अब नहीं करती मैं। आपने एक बात बोला अभी कि हम लोग डांस करते हैं तो अपने अंग को प्रदर्शित करते हैं ताकि वो 2 रुपया मिले, सच में कितना सच्चाई है? सर, इसमें सच्चाई है, और ये बात झूठ भी नहीं है, और हम जैसे ट्रांसजेंडर तो दूर, लड़कियां भी ये चीज़ को मजबूरियां बनाती हैं। वो इसलिए मजबूरियां हैं, जब मैंने खुद अपने ऊपर शोध किया, जब मैं फुल ड्रेस पहन के जाती हूँ ना, तो बंदा बोलता है यार इसको यार क्या पहनी हो यार, कम से कम छोटा पहन के आओ। मैंने इस चीज़ को शोध किया है, मैंने जज किया है। जब आप लोग डोरी दिखाते हैं, ऊपर की सामान दिखाते हैं, तब वो लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसी लड़की को बार बार बुलाया जाए। जी, ये चीज़ें वो अभी बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन ये चीज़ सुनने के बाद कितना ऑड फील, कितना गिल्टी फील होता है खुद पे। उन लोगों को तो खैर पता नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को इंजॉय लेना होता है और पैसा देना होता है। अब हम लोग जो पैसे भी जो लेते हैं ना, बहुत सावधानी से भी हम लोग को लेना होता है। कभी हमारे बूप्स पे डालते हैं, कभी मुंह में डालते हैं, कभी अपने थाई में बैठाते हैं, अगर नहीं जाने पे वो बोलते हैं कि गालियाँ देते हैं ना, मदर फक ये सब कुछ बोलते हैं। कभी कभी तकलीफें होती हैं कि आज तक मम्मा कभी गालियाँ नहीं दी, ये जितने दर्शक लोग होते हैं डांस देखने वाले, वो लोग भी गालियाँ देते हैं, कितने लोग बोलते हैं कि इतने अमाउंट लो, क्या तुम मेरे बिस्तर पे आओगी, बहुत लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एलिना को मजबूरी है, आज मजबूरी की वजह ही यह सभी बातों को झेलना पड़ रहा है, शायद आज अगर मजबूरी नहीं होता तो इस बात को जितने लोग कमेंट पास करते होंगे शायद उन लोगों का हिसाब किताब भी आप कर दिए होते। बिल्कुल। अच्छा, आगे आपकी कैरियर कहाँ जाता है?
बस मेरा यही कैरियर है कि मैं डांस, दिल से बताऊं तो मैं डांस मुझे उतना पसंद नहीं है, और कला है ऐसी बात नहीं है, मैं कला की तौहीन नहीं करती हूँ, लेकिन जो मेरा मंच है ना वो मेरे कला लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग सबकी मेंटेलिटीज अलग है। आप किस तरह का मंच देखना चाहती हैं? एक प्रोफेशन मंच होता है, एक संस्कृति कार्यक्रम वाला मंच होता है, जो मैं इस मेंबर रह चुकी, मैं भिखारी ठाकुर की मेंबर भी मैं रह चुकी हूँ। आपको 18 दिसंबर जो छपरा में जो होता है, मैं एकता भवन में भी शो करती हूँ, और मैं अच्छी एक संस्था से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने लाइफ है ना, एक होता नहीं ट्रांसजेंडर की लाइफ होती हैं कि वो लोग मांगते हैं, शादी करते हैं, फिर रोड पे रहते हैं, रोड पे ही मर जाते हैं। ये मेरी मेंटेलिटीज़ नहीं है, मैं बदलाव करना चाहती हूँ, मैं खुद पे बदलाव करना चाहती हूँ, ताकि हमारे बिरादरी को भी थोड़ा सा नॉलेज हो, और कितने लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं हमारे जैसे बिरादरी लोगों को, मैं प्राउड ऑफ मी एंड प्राउड ऑफ अपने बिरादरी को मैं कहना चाहूँगी कि आज एजुकेशन लेके लोग भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं लोग। और एक मैंने नाम सुना था, एक पटना की बहुत अच्छी किन्नर है जिन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। ये एक किन्नर के चलते सारे किन्नरों की कितनी गर्व वाली बात होती है, तो अब वो मेंटेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए किन्नरों के अंदर। जिस हॉस्टल में आप पढ़ते हैं, पढ़ाई वहाँ करते हैं, वहाँ पे एकलौता अलीना है किन्नर, या बहुत सारे लड़कियाँ वहाँ पे किन्नर लोग? नहीं 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 नहीं, बहुत सारे नहीं है, एक मैं ही फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ, और ट्रांसजेंडर होने के नाते मेरे ऊपर बहुत सारे रैगिंग होते थे। जब हमारी जो टीम की जो लीडर लड़कियाँ रहती थी ना, तो वो मुझे अपने अपने ग्रुप में कोई मुझे बैठाता नहीं था, काफ़ी डिस्टेंस रखते थे। और हमारी एक साप्ताहिक एग्ज़ाम होती थी, तो उसमें मैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड आती थी। तो दो तीन लड़कियां तो हम लोग आते थे, तो एक मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला कि अलीना, जब तुम्हारा इतना अच्छा नंबर आता है, फिर तुम पीछे क्यों बैठती हो? मैं बोली कि मैम आगे तो बैठना चाहती हूँ, लेकिन लड़कियाँ लोग पीछे भगा देती हैं, क्या करूँ? तो नहीं नहीं तुम्हारा नंबर अच्छा है, तुम आगे आओ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आज मैं आप लोग की दुआ से मैं एक टीम अपने क्लास की लीडर बन चुकी हूँ। लीडर आज जितने भी लड़कियाँ हैं जिस हॉस्टल में आप पढ़ती हैं, सभी लड़कियाँ आपको मानती हैं या बहुत प्यार करती हैं? जो भी मेरे विरोध थी, हाँ। जो मेरा विरोध करती थी, हाँ। वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, एक सवाल रहता है सभी के मन में कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, वो लड़का होता है कि लड़की होता है, थोड़ा सा आप दर्शक को बताइए।